लड्डू खाने का तैयार बैठे आप कोई बात नहीं क्या मामला है? आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि आप मारे ऊपर ये निराधार आरोप लग रहे हैं। मैंने किसी से कोई मतलब नहीं, ना को किसी से पूछताछ करी, ना किसी से मतलब है, ना मैंने किसी बात का इसी जो निकावर है इस बात के मेरे को कोई मालूम नहीं ना बने। रिकॉर्डिंग वो भी आई है कि जिसमें लड़के के परिजन कह रहे हैं कि भाई हाँ आपसे सेटिंग हो चुकी है। मेरे को सेटिंग ना हमने पता इस बात का। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं जिसमें पुलिस द्वारा ये कहा गया है कि लड़के और लड़की की शादी करवा के और इस केस को हम रफा दफा कर देंगे और इस लड़की को लेके आप तुरंत, जिसमें पुलिस वाली खुद आई हो जो है वो ये कह रही थी लड़की के परिवार वालों को कि लड़की की शादी करके और इसको तुरंत यहाँ से मतलब दोबारा पानीपत में तेरी बेटी दिखनी नहीं चाहिए, इसके पिताजी को जो ये बात यहाँ सारे उसमें कह रहे थे। सेटिंग होगी क्या सारी? 25 तारीख को तेरे को चौकी इंचार्ज ने क्या बोला कि लड़के वाले वहां से चल पड़े हैं, आप अपनी सारी सेटिंग आपकी हो चुकी है, नहीं हुई थी कि नहीं? ये बात किस चीज की सेटिंग थी? वो हमारी सेटिंग थी घर की, घर बनाने की। पुलिस वाला तेरे को घर बनवाने की सेटिंग करवाएगा? पुलिस वाले ने बोल रखी है, सुनाऊंगा सबके सामने, मीडिया के सामने, तो पुलिस वाला ये बोल रहा है कि आपकी सेटिंग होगी क्या? हमने तो सुनी लड़के वाले आगे, मैं बोलूं, मैं देखूंगी ना मीडिया को, सबको दूंगी ना ये सबूत। पुलिस वालों ने ये बोला कि सेटिंग होगी क्या आपकी? इतने कहा होगी थी? ये बताओ जब उसके पेट उसी लड़के से जब पेट में बच्चा फेंका था तब नहीं याद आया? हमें पता नहीं था इस बात का। जब नहीं, इतने दिन हो गए यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी है, नहीं बाद में तो पता लगा। अब जब बच्चा फेंका तब नहीं पता था? नहीं, जब अगले दिन पुलिस आई थी तुम्हारे घर? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। तुम तो वहीं थे जब पुलिस आई थी? नहीं, हम वहाँ नहीं थे। तुम्हारे सामने तो लड़की को लेके गए, वो लड़ना हमारे सामने लेके गए। कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम हम फैक्ट्री थे। उसके बाद उस बच्चे को गर्भ में मारने की कोशिश करी दूसरी बार, उसको फिर पैदा करके, चलो तुम नहीं होगे वहाँ पे, मैं मानती हूँ चलो नहीं होगे, तुमने नहीं पता किसी चीज़ का, उस बच्चे को फिर पेट में मतलब बच्चा पैदा करके और एक घंटे के अंदर अंदर लड़का लड़की, मेरे पास सारी वीडियो है जिसमें लड़की ने ये बोल रखा है कि उस टाइम पर वो लड़का वहीं था जिस टाइम पर बच्चा पैदा हुआ, तो वहीं था, कन्फर्म है, वही कन्फर्म है। अभी तो अंदर अंदर जाए लड़की एडमिट हो गया कमरे में थी वहाँ पर बैठे बैठे निकालने के बाद कहाँ क्या अप्लाई, उसमें क्या अप्लाई होएगा? तहसील में। अच्छा 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 अच्छा, उसमें पक्का हो जाएगा कि इनकी शादी होगी? फिर बच्चा कौन लेके जाएगा? अच्छा, सारा सारी सेटिंग दरोगा जी ने ही कर रखी है क्या? कर रखी है या नहीं कर रखी है बता दो, कभी ऐसा ना हो कि गलत करना है। अच्छा, अच्छा बाल से उसमें, अच्छा ओके ओके ओके, ये सारा दरोगा जी करेंगे ना सेटिंग पूरी? ओके ओके। पानीपत के शिवनगर का मामला आप लोगों को याद होगा, जहाँ मात्र 2 घंटे की बच्ची जो है फेंकी गई थी, उसके बाद ये मामला मीडिया में उछला तो समाज सेवी सविता आर्य सामने आई और उन्होंने बच्ची की अविवाहित मां को 3 दिन में ही ढूंढ निकाला। मामला सुर्खियों में रहा और वॉइस ऑफ पानीपत पर लगातार ये वीडियो जो है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन बड़ा मामला जो अब सामने निकल कर आ रहा है कि 10 से 15 दिन हो गए हैं उस मां को इसी सिविल अस्पताल में भर्ती हुए, उसका इलाज जो है चल रहा है क्योंकि वो जच्चा थी और आरोप ये लग रहे हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस सेटिंग करके निकाह करवाना चाहती है, जो कथित प्रेमी था उस महिला का उसके साथ विवाह करवाना चाहती है और इस मामले को रफा दफा करनी चाहती है। अभी तक भी उस महिला के 164 के बयान दर्ज नहीं हुए। आज सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है, उस हंगामे की वीडियो फुटेज जो है आपको दिखाते हैं। नारी तो नारायणी समिति के अध्यक्ष सविता आर्य ने उसके फादर से भी बातचीत की और पुलिस वालों से भी बातचीत की। पुलिस वाले जो सामने खड़े थे उन्होंने अपना जो है तर्क रखा, अपना पक्ष रखा, लेकिन गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लगे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद उस कथित प्रेमी को क्यों नहीं पकड़ा गया, क्योंकि उस प्रेमी का भी उतना ही हाथ है जितना इस अविवाहित प्रेमिका का जो है हाथ जो है सामने आ रहा है। तो इस मामले पर गंभीर आरोप जो है पुलिस के ऊपर लगे हैं कि पुलिस पैसे खाकर इस मामले को रफा दफा करना चाह रही है।
मामला गंभीर था। मात्र दो घंटे की बच्ची पैदा करने के बाद छोड़ दी गई। वाइसो पानीपत पर यह मामला उछला और श्विता आर्य ने उस महिला को ढूंढ निकाला। अगर ये श्विता आर्य उस महिला को ढूंढना निकालती तो शायद ये मामला जो है आज भी किताबों में रहता। लेकिन फिलहाल सिविल अस्पताल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मामला आपको पहले ही पता है, आज क्या हंगामा हुआ उसकी आपको लाइव फुटेज दिखाते हैं और पुलिस अधिकारियों का इस मामले में क्या बयान है। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास ये सारा मामला मीडिया ने पहुँचाया है कि आरोप किशनपुरा चौकी के जो इंचार्ज है उनके ऊपर लग रहे हैं। उस इंचार्ज की बातचीत सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले हंगामे की फुटेज देखिए। अगर 1% में बताओ सच्ची बोलोगे आप बच जाओगे, नहीं तो आप भी साथ में जेल में जाओगे। 420 में, 420 में आप जेल में जाओगे, मुझे ये बता दिया। एक लड़की को एक ये बताओ कि कोई बच्ची 12 फुट ऊंची छत से किसी छोटी नवजात बच्ची को कुत्तों के सामने मुंह में कपड़ा ढूंस के फेंक रही है, उसके बाद पुलिस उसकी शादी करवा का मामला निपटाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि ये कौन से कानून में है? राय में आपको दे रही है, राय अभी सुन ही नहीं रहे। राय आप राय मेरी दूर है, आप बिछाने की कोशिश मत करो। आप मेरे को एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। लड़के के पिताजी से आप डेली बात कर रहे हो, चलो मैं यहाँ तो उड़ते घूम रही हूँ, मैं आपके हर पग पे मैं आपके साथ हूँ। आप लड़के के पिताजी से बात कर रहे हो, पग पग मैं आपके साथ हूँ। अगर आपके साए की तरह मैं आपके पीछे थी, मैं आपको नहीं पता, मैं भेज बदल के साए की तरह आपके पीछे थी। और एक एक पल की रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें तुमने षड्यंत्र कर रखा है, कैसे शादी करनी है, कैसे दरगाह में। पहले 25 तारीख को दरगाह में शादी कर रहे थे, 25 तारीख को छुट्टी नहीं मिली। अब तूने बुलाया, अब एक नाम का जावेद नाम का लड़का था मोटरसाइकिल पे बैठ कर आ जाए, वो सारी मतलब पीछे ही तो खड़ी थी। मुझे नहीं पता कौन लड़का था, तूने कहा कि उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के लिया हो और दरगाह में उसको कह रहा था। आपने ये नहीं कहा क्या कि किसी उसको दरगाह उसको बिठा के लाया, मौलवी को बिठा के लाएगा बाइक पे? यहाँ पे मौलवी नहीं है। मैं वहाँ बैठी थी, तो मैं 2 दिन तक वहाँ बैठी थी पीर के बाहर। की सेटिंग होगी क्या सारी? 25 तारीख को तेरे को चौकी इंचार्ज ने क्या बोला कि लड़के वाले वहां से चल पड़े हैं? आप अपनी सारी सेटिंग आपकी हो चुकी है, नहीं हुई थी कि नहीं? ये बात किस चीज की सेटिंग थी? वो हमारी सेटिंग थी घर की, घर बनाने की। पुलिस वाला तेरे को घर बनवाने की सेटिंग करवाएगा? पुलिस वाले ने बोल रखी है, बात सुनाऊंगा सबके सामने मीडिया के सामने। तो पुलिस वाला ये बोल रहा है कि आपकी सेटिंग होगी क्या? हमने तो सुनी, लड़के वाले आगे मैं बोलूं, मैं दिखूंगा मीडिया को, सबको दूंगी ना ये सबूत। पुलिस वालों ने ये बोला कि सेटिंग होगी क्या आपकी? ये तने कहा होगी थी? हाँ मेरे को जोड़ने की बात है। अभी तुम्हारे सामने लड़के का फोन आया, मेरे आपके लड़के का फोन आया, लेकिन तेरी बेटी का भी तो फोन आ गया अंदर से, ये कहने के लिए कि किसी को कुछ मत बताना। वो तो आपको सुन, मेरे को ये बताओ कि पुलिस वाले ने थाना इंचार्ज ने उसके मेरे पास सारे सबूत है जिसमें उसने ये कहा है कि भाई आपकी सेटिंग हो चुकी क्या दरगाह में शादी कराने के लिए? उसके बाद एसडीएम कोर्ट में ले जाएंगे, ये सारे सबूत मीडिया को दूंगी, ऊपर तक दूंगी, जिसमें ये कहने लग रहे हैं साथी होने के बाद। आप मेरी भी बात सुनोगे, उसमें क्या क्या सबूत है मैं आपको बताती हूँ। आपकी सेटिंग है पहले दरगाह में शादी करा के, उसके बाद एसडीएम कोर्ट में शादी होगी। एसडीएम कोर्ट में शादी होने के बाद वो पर्चा लेके बच्ची के लिए ये कहना है कि भाई बच्ची को हम रखना चाहते हैं, और ये सारी सेटिंग आपने आपकी पुलिस करवाने लग रही है। आपके वहाँ के तिवारी जी है, एक शर्मा जी है, सुनो मेरी बात, देखो तिवारी जी है, एक शर्मा जी है। तिवारी कौन है, शर्मा कौन है? वो दोनों आके सेटिंग करके गए हैं। जो तिवारी है वहाँ का कोई प्रधान है, आपके मेरठ का कोई प्रधान है तिवारी जी, वो मिलकर सारी सेटिंग करके गए। सारे सबूत मेरे पास है, सारे सबूत रखूंगी मीडिया के सामने बगैर तथ्य के आधार पर। मैं यहाँ नहीं खड़ी यहाँ इतनी मीडिया को ले। क्या बोले आपको इंचार्ज? वो बात भी मेरे पास है, इंचार्ज ने आपको क्या बोला था कि सभी, उसने क्या बोला इंचार्ज ने कि सभी तार ये मीडिया को लेके वहाँ पहुंच गई। मैं मीडिया को लेके पहुंची थी, मीडिया तुमने बुलाई वहाँ कॉलोनी वालों ने, अभी मीडिया को लेके सभी पहुंच गई, नहीं था दफा कर देता इस केस को। मैं मीडिया को लेके पहुंची थी यहाँ, उसने मेरे को क्या बता? वो तेरे को नहीं कहा इंचार्ज ने तेरे को ये बात? तू फिर झूठ बोल रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इंचार्ज तेरे को ये कह रहा था कि 10,000 के मेरे चिक्को खुआ दिए, तेरी चोरी था, तेरी चोरी था, कुर्सी 10,000 के चिक्को खुआ दिए। इंचार्ज ने कुर्सी रुपये दे दिए, किसने दे दिए उत्तर रुपये? वो सारे सबूत है मेरे पास, इंचार्ज ने कुर्सी 10,000 के चिक्को खुआ दिए, तेरी चोरी था, तेरी चोरी ऊपर था, लड़की ने फेंका है, नवजात ने ऊपर था फेंका है, और तुम पुलिस ने चिक्को खुआ रही है। अरे फिर तू अब उसको क्यों बता रहा है, पुलिस वाले को क्यों बता रहा है? साथ में तू अपने आप को बता रहा है, साथ में बेटी को बता रहा है, साथ में अगलों को बता रहा है, वो तो बता दे तू कम से कम, तू सच बोल दे। तो ये तो बता ही सका है कि मेरे को मिल हुआ पुलिस वाले प्रेशर कर रहे हैं। तू मुझे एक बात बता, छोटी सी बात छोड़ दू, किसी बच्चे अगर मान ले किसी बच्चे को ऊपर से फेंकने के लिए क्या 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 उसका शादी होना उसका गुना गुना हो गया खत्म? बस मेरे को इतना बता दो, फिर वो कैसे फिर कैसे कर रहे हैं वहाँ पुलिस वाले? मैं वेजी
अभी तो अंदर अंदर जाए लड़की एडमिट हो गया कमरे में बैठी है वहाँ पर बैठे बैठे। नवजात बच्ची को फेंकने वाली माँ को पुलिस ने 20 तारीख को जैसे मैंने गिरफ्तार करवाया था, पुलिस ने उसको हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। जब भी बार बार मैं पुलिस को फोन करके पूछती थी कि लड़की का क्या रहा, उसको गिरफ्तार किया नहीं या उसके आसी को गिरफ्तार कराया नहीं, पुलिस मैंने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। उसके बाद मुझे सूत्रों से पता लगा कि लड़की की 25 तारीख को मुझे पता लगा कि लड़की की पुलिस वालों ने लड़के वालों से मिली भगत करके, क्योंकि लड़के को 2 दिन उठा लाई थी पुलिस, मिली भगत करके लड़के की शादी लड़की से करवा के और उसके बाद वो बच्ची को उसके परिवार को ही सौंपना चाह रही थी पुलिस, इस केस को रफा दफा करना चाहती थी। 25 तारीख से लेके और आज तक मैं हर 24 घंटे मतलब इस जहाँ पे लड़की एडमिट थी इसके पिताजी जो भी मैं मतलब 24 घंटे मैं और मतलब कुछ मैं अपने उसके हिसाब से मैं पूरी मतलब हॉस्पिटल में ही गई रद घूम रही थी और मैं ये देख रही थी कि पुलिस क्या कर सकते हैं। मेरे पास वो सारे सबूत हैं जिसमें पुलिस द्वारा ये कहा गया है कि लड़के और लड़की की शादी करवा के और इस केस को हम रफा दफा कर देंगे और इस लड़की को लेके आप तुरंत, जिसमें पुलिस वाली खुद आई हो जो है वो ये कह रही थी लड़की के परिवार वालों को कि लड़की की शादी करके और इसको तुरंत यहाँ से मतलब दोबारा पानीपत में तेरी बेटी दिखनी नहीं चाहिए, इसके पिताजी को जो ये बात यहाँ सारे उसमें कह रहे थे और बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग सारी मेरे पास है। मैं जो भी लेना चाहूँगा, जो जांच अधिकारी इसमें तफ्तीश शामिल लेना चाहेगा, मैं सारी देने के लिए तैयार हूँ। क्या पैसे ले दे के सेटिंग करने का मामला भी सामने आप मुझे ये बताओ कि जिस टाइम पे मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई थी जिसमें खुद इंचार्ज ये कह रहा है उसके पिताजी से कि वो लड़के आने लग रहे हैं, आप लड़के वाले आने लग रहे हैं कि आपकी सारी सेटिंग हो चुकी है, तो वो सेटिंग पैसे की थी या किस चीज़ की हो मुझे नहीं पता। अभी आपने लड़के वालों से भी बात की है? लड़की के पिताजी के फ़ोन से लड़के वालों से बात करी है, वो ये कह रहे हैं हम 70 किलोमीटर दूर हैं अभी पहुँच जाएंगे आते के साथ, पुलिस वाले ने ये कही इंचार्ज ने कि हम शादी करवाएंगे पहले दरगाह में, उसके बाद एसडीएम कोर्ट में, उसके बाद बच्ची को हम दे देंगे आपको। क्या पुलिस मिली हुई है जी इसमें? बिल्कुल मिली हुई है जी। क्या मामला है? आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि आप हमारे ऊपर ये निराधार आरोप लग रहे हैं। मैंने किसी से कोई मतलब नहीं, ना को किसी से पूछताछ करी, ना किसी से मतलब है, ना मैंने किसी बात का इसी जो निकावर है इस बात के मेरे को कोई मालूम नहीं ना बने। रिकॉर्डिंग वो भी आई है कि जिसमें लड़के के परिजन कह रहे हैं कि भाई हाँ आपसे सेटिंग हो चुकी है? मेरे को सेटिंग ना हमने पता इस बात का। और ये लड़की गिरफ्तार दिखा रखी है सर? नहीं, ये सामने तफ्तीश करेंगे ना अब। यहाँ इतने दिन से ये लड़की का बच्चा हुआ था, ये जच्चा थी और इसका सारे ट्रीटमेंट करवागा और मेडिकल वगैरह करवा के और इस सामने तफ्तीश करेंगे इसको। कुछ पैसे के लेन देन का भी आरोप लगा? ना कोई आरोप नहीं इसमें किसी प्रकार का भी। बैठा मुझे ये बता दो कि 300 धारा किस लिए लगती है? जान से मारने की कोशिश नहीं करी क्या? 1 लाख मतलब एक के कैनर पर 30 लाख आलिया लगेगी। पूरी मीडिया इस समय सिविल अस्पताल में मौजूद थी। जब 2 पुलिस की जिप्सियाँ यहाँ पर आई, मामला एसपी के पास भी पहुँचा और परविंदर जो इंचार्ज हैं कृष्णपुरा चौकी के, वो भी मौके पर पहुँचे। पूरा का पूरा जो मीडिया का हजूम था वो सुबह से ही सिविल अस्पताल में था। सुविता आज ये लगभग 10 दिनों से यहाँ पर रैकी कर रही थी। शक पूरा ये जताया जा रहा था कि उस कथित प्रेमी और इस जो अविवाहित प्रेमिका है, इन दोनों का निकाह जो है होगा, लेकिन पुलिस के अधिकारियों के पास ये बात पहुंची तो आज शामिल जो है तफ्तीश उस महिला को किया जाएगा, पुलिस अपने साथ उस महिला को ले गई है। लेकिन अभी भी इस मामले में ये पेच फंसा हुआ है कि पुलिस के पास सारे सबूत होने के बावजूद भी अभी तक उस कथित प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर आरोप गंभीर आरोप लगे हैं। और परविंदर जो बता रहे हैं कि उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, लेकिन परिवार वाले जो उनके परिवार वाले जो सामने आ रहे थे उन्होंने तर्क दिया कि हम लोग हैं निकाह करवाना चाह रहे हैं। लड़की के जो पिता है उसने बताया कि हम लोग निकाह करवाना चाहते हैं। जब लड़की के पिता से यह बात की गई, उसके पेट में बच्चा था, जब बच्चा गिराया गया तब आप कहाँ गए थे, तो उस जो उनको उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो ये मामला जो है पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आप लोग क्या समझते हैं कि इस मामले में क्या होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।